हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आ गए हैं एकदम कम खर्च में बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार रवा लड्डू की रेसिपी। अभी बहुत सारे त्यौहार है फ्रेंड, तो आप इस तरीके से घर के चीज़ों से आप दानेदार रवा लड्डू बना सकते हैं, सूजी का लड्डू। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूजी के दानादार लड्डू बनाने के लिए हम एक कटोरी सूजी लिए हैं। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा पतला। इधर हम कढ़ाई में आप देख रहे होंगे फ्रेंड, ये घी वाला कढ़ाई है। हम अभी तुरंत घी बनाए थे, 3 से 4 दिन का मलाई था, तो थोड़ा सा खुरचन निकला है इसमें, आप देख सकते हैं। तो उसी में हम सूजी को डाल देंगे। हम घी का यूज नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा घी है 1 चम्मच के करीब। तो गैस के फ्लेम को ऑन कर दिए हैं, सूजी को लो फ्लेम में चलाते हुए भूनेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड, आप इस लड्डू को बनाने में अगर आपके पास खुरचन नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। आप 1 से 2 चम्मच घी डालकर सूजी को खूब अच्छी तरह से भून लें खुरचन के जगह में। तो फ्रेंड, हम इस लड्डू को बनाने में घी का यूज नहीं किए हैं, खुरचन बचा हुआ था उसी में हम भून रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो एकदम अच्छी तरह से सुनहरा होने तक सूजी को भूनना है, चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा फ्रेंड। इधर जब तक सूजी भून रहा है, इधर हम दूध वाला चीनी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, हम जिस कटोरी से सूजी लिए थे उसी से हम आधा कटोरी चीनी लिए हैं और आधा कटोरी दूध लिए हैं। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का है, तो इस तरीके से मिला लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे लो फ्लेम में, गैस में लो फ्लेम में। इसको चीनी को मेल्ट होने तक चलाते हुए पका लेना है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्रेंड, अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो कम बजट में आप इस मिठाई को बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम आसान रेसिपी है, चलाते रहना इसको। तो चीनी मेल्ट हो गया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो चीनी वाला दूध तैयार हो गया है। तो इधर आप देख सकते हैं सूजी भी भून गया है फ्रेंड। आप दूध के जगह पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध में ज़्यादा अच्छे टेस्ट आते हैं। सूजी का कलर चेंज हो गया है फ्रेंड, इससे खुशबू आने लगा है। आप इसी समय कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे फ्रेंड। लड्डू में अच्छे टेस्ट आने के लिए आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास मिल्क पाउडर नहीं है, तो हम दूध के ताज़े मलाई डाल रहे हैं फ्रेंड। 4 चम्मच मलाई डालेंगे, मलाई से भी बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं लड्डू में। तो हम बिल्कुल घर के चीज़ों से इस लड्डू को बनाकर तैयार कर रहे हैं फ्रेंड। तो अच्छी तरह से लो फ्लेम में मलाई को भी मिक्स करते हुए भुनेंगे सूजी के साथ। तो फ्रेंड, हम इसमें मलाई डाले हैं, तो इसमें हम बिल्कुल भी घी का यूज नहीं कर रहे हैं। आप इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब घी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट को भी डाल दिए हैं फ्रेंड, साथ में ही भून जाएगा। आप अलग से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं ड्राई फ्रूट को। तो अब हम इसमें दूध वाला जो चीनी तैयार करके रखे थे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड दूध को, नहीं तो ये हलवा बन जाएगा, क्योंकि हमको हलवा नहीं बनाना है, हमें लड्डू बनाना है, तो एकदम दानेदार रहना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे।
तो फ्रेंड इसमें हम मिल्क पाउडर के जगह मलाई यूज किए हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारा लड्डू बनकर तैयार होगा। आप सोचेंगे कि एकदम हलवा का टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी हलवा का टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड, एकदम अलग ही टेस्ट आता है। आप कह नहीं सकते हैं कि ये सूजी का लड्डू है, एकदम खाने में स्वादिष्ट है, एकदम दानेदार बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड इसको लो फ्लेम में चलाते हुए अच्छी तरह से सूखने तक पकाएंगे। तो इसमें हम मलाई डाले थे फ्रेंड, तो घी छोड़ दिया है, इसमें घी का ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिना मलाई खुरचन के इस मिठाई को बनाएंगे तो 4 चम्मच घी डालकर सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है, और मलाई के जगह में 2 चम्मच के करीब आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, उससे अच्छे टेस्ट आएंगे लड्डू में। तो लो फ्लेम में चलाते हुए अच्छी तरह से सूखने तक पका लिए हैं फ्रेंड। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर दिए हैं, हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो हल्का ठंडा हो गया है, थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। अभी हल्का सा गर्म है फ्रेंड, इसलिए थोड़ा सा हाथ भी जल रहा है। तो एकदम ठंडा होने दीजिएगा तब बनाइएगा, हाथ नहीं जलेगा। तो फ्रेंड अभी रक्षाबंधन आ रहा है, अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं ऐसे भी तो घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है और मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से घर के चीज़ों से स्वादिष्ट लड्डू बना सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये दानेदार रवा लड्डू की रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस लड्डू को कोई भी त्यौहार या ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, बच्चे इस लड्डू को खाकर बहुत खुश होंगे, सभी को बहुत पसंद आएगा फ्रेंड लड्डू। तो चलिए फ्रेंड हम आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाते हैं, एकदम मावा के जैसा लड्डू बनकर तैयार हुआ है, एकदम दानेदार, इसमें ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है फ्रेंड, एकदम स्वादिष्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।